तो व्यूअर्स, आज एक खुशखबरी लेकर हाजिर हूँ। व्यूअर्स, खुशखबरी क्या है, सभी को जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एक शानदार प्रोजेक्ट अल कबीर ऑर्चर्ड, जो कि अल कबीर डेवलपर्स का 8वां बड़ा प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ बिलाल हैदर फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से डेली बेसिस पे आपको किसी न किसी नए प्रोजेक्ट के हवाले से, रियल एस्टेट की मार्केट की अपडेट के हवाले से आपको वीडियोस की सूरत में अपडेट दी जाती है। तो व्यूअर्स, आज एक खुशखबरी लेकर हाजिर हूँ। व्यूअर्स, खुशखबरी क्या है, सभी को जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एक शानदार प्रोजेक्ट अल कबीर ऑर्चर्ड, जो कि अल कबीर डेवलपर्स का 8वां बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले इन्होंने 7 प्रोजेक्ट अपने डिलीवर किए हैं रेमंड रोड के ऊपर। ये 8वां प्रोजेक्ट इनका व्यूअर्स अल कबीर ऑर्चर्ड, इसकी ये लोग 25 नवंबर को अर्थ ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। सिर्फ अर्थ ब्रेकिंग नहीं, डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी है व्यूअर्स। व्यूअर्स, इसका मतलब जानते हैं कि आप जैसा कि एक रूमर्स क्रिएट हुई हुई थी कि ये लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, काम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कब ये डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो व्यूअर्स चौधरी औरंगज़ेब साहब ने दोबारा से, जैसा कि वो हमेशा से करते आए अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे इन्होंने अल कबीर टाउन फेज़ 1, फेज़ 2, किंग्स टाउन, मरियम टाउन, गोल्फ एनक्लेव और अल कबीर अपार्टमेंट्स, इन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर व्यूअर्स जैसे इन्होंने टाइम से पहले डेवलपमेंट और डिलीवरी दी है, व्यूअर्स वही ये यहाँ करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, बहुत कमाल की न्यूज़। दूसरी मज़े की बात व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं, आपके प्लॉट्स की वर्थ बढ़ने वाली है। वो कैसे बढ़ने वाली है व्यूअर्स, मेन जीटी रोड से गेट का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं 25 नवंबर को। व्यूअर्स, मैं बहुत खुश हूँ इस न्यूज़ से। खुश किस वजह से हूँ कि मेरे क्लाइंट्स खुश हैं, और जैसे ही मेरे क्लाइंट्स खुश होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें भी खुशी होती है कि क्लाइंट्स हम लोगों से एक चीज़ उन्होंने ली है तो वो वहाँ पर सेटिस्फाई हैं, वो खुश हैं। व्यूअर्स, एक बहुत खुशी का ये न्यूज़ थी, तो सोचा अपने व्यूअर्स को बताऊँ, अपने क्लाइंट्स को बताऊँ। व्यूअर्स, 25 नवंबर को अर्थ ब्रेकिंग डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी है। उसी दिन ये लोग ग्रैंड मॉस्क का संगे बुनियाद रखेंगे, ग्रैंड मॉस्क बनेगी, और व्यूअर्स वहाँ पर यूनिवर्सिटी आ रही है, यूनिवर्सिटी का ये लोग करने लगे हैं, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज। व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक वहाँ पर अपनी फाइल बाय नहीं की है, प्लॉट नहीं बाय किया, तो व्यूअर्स वो लोग उनसे पीछे रह गए हैं जो कि यहाँ पर अपना प्लॉट ले चुके हैं, क्योंकि वो आने वाले टाइम में यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करने वाले हैं। व्यूअर्स, ये जो लोकेशन है, स्पेसिफिकली आपको इसकी लोकेशन का थोड़ा सा बताता चलूँ कि अल कबीर ऑर्चर्ड क्या, इन्होंने जो पेमेंट प्लान दिया है वो क्यों इतना इकोनॉमिकल है, 10,50,000 3 मरले का, 17,50,000 5 मरले का, और थोड़ी थोड़ी डाउन पेमेंट 2 लाख उसकी है, 3 लाख 5 मरला की डाउन पेमेंट। व्यूअर्स, इतनी कम डाउन पेमेंट क्यों इन्होंने दी है, उसकी वजह क्या है? एक तो ये हमेशा से बड़ा इकोनॉमिकल अपना पेमेंट प्लान लेके चलते आ रहे हैं, दूसरा इनकी कैटेगरी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हैं, 3 मरला 5 मरला के हर एक के लिए अफोर्डेबल हो, कोई मीडियोकर फैमिली है वो भी इसको आसानी से अफोर्ड कर सके, अपना प्लॉट ले सके। तो व्यूअर्स, एक तो इनका पहले रास्ता जाता था गांव के अंदर से, मेन जीटी रोड से आप राइट गांव के अंदर जाते थे तो वहां से जाके इनका मेन गेट था, जिस वजह से जो लाइव विज़िट करते थे क्लाइंट्स वो ये बहुत ज़्यादा उनका क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ये उनकी बात थी कि इसकी लोकेशन बहुत अंदर जाके आ रही है, लोकेशन नहीं अच्छी है, मेन से कोई गेट नहीं है, लोकेशन तो इसकी बहुत आउट क्लास थी, मेन जीटी रोड लगता है। तो व्यूअर्स, ये जो एक ये वाला फैक्टर था ना कि इसकी मेन से एंट्रेंस नहीं है, तो व्यूअर्स 25 नवंबर को वो भी होने जा रहा है। उसका मतलब आप जानते हैं कि काला शकाकू, जहाँ पर लाहौर स्मार्ट सिटी, एसए गार्डन्स, अल कबीर ऑर्चर्ड है, इसके अलावा जो सोसाइटीज़, व्यूअर्स काला शकाकू, लाहौर स्मार्ट सिटी इसके साथ, एसए गार्डन्स इसके साथ, सुप्रीम सिटीज़ के पास, और व्यूअर्स इसके बाद इंटरटेनमेंट सिटी जो कि अल जलील डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है वो इसके बिल्कुल पास है, और व्यूअर्स फ्यूचर में एडम होम्स यहाँ आ रहा है, और एक्सपेक्टेड बहरिया टाउन भी यहाँ व्यूअर्स आने वाला है। व्यूअर्स, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लोकेशन कितनी आउट क्लास बनने वाली है, और व्यूअर्स इस लोकेशन के आउट क्लास बनने की ये सभी सोसाइटीज़ के यहाँ आने की वजह क्या है? व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ एयरपोर्ट अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ बनना है। व्यूअर्स उसके अलावा थीम पार्क 350 एकड़ के ऊपर व्यूअर्स उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, वो बन रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। व्यूअर्स आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के 2 प्रोजेक्ट जहाँ पर ऐसी चीज़ हो, थीम पार्क वो जो कि पूरे पाकिस्तान का एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी सभी के लिए,
पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पंजाब या किसी एक सूबे के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए वो एक टूरिज्म प्लेस बन जाएगी। सभी वहाँ आएंगे, तो व्यूअर्स आप अंदाज़ा कर सकते हैं जहाँ एयरपोर्ट हो, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का, चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन का ये प्रोजेक्ट है जो कि चाइना की कंपनी यहाँ बना रही है। तो व्यूअर्स आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर लैंड के प्राइस इस वक्त क्या हैं और आगे आने वाले वक्त में क्या होंगे। व्यूअर्स ये वाली वो ज़मीन है कि जहाँ बंदा सिर्फ बाद में या फ्यूचर में बैठ के सोच रहा होता है, यार काश उस वक्त इतने पैसों में हम वहाँ प्लॉट ले लेते, इस वक्त हमें उससे 3 गुना ज़्यादा प्राइस मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है, इट्स अप टू यू, ख़ुद देखें जाकर, सारे मामलात को अपने दिमाग में सोचें, फिर उसके बाद खुद से अपने आप से पूछें, तो इंशाल्लाह आपको यही जवाब मिलेगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर अगर अच्छा गेन लेना चाहते हैं। तो व्यूअर्स किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी बुकिंग करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं बहरिया टाउन तलवार चौक पे, आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, रिकमेंड करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें। व्यूअर्स दुआओं में याद रखा करें ताकि डेली आप लोगों के लिए ऐसी नई से नई वीडियोज़ लेकर हाजिर होता रहा करूँ। व्यूअर्स अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।